श्री अमृता माता जी के साथ महाराज श्री सतपाल जी महाराज जी मंच पर शोभायमान हैं। आप लोग यहाँ पर जन्मोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये मेरा पहला जन्मोत्सव है जिसमें हम लोग आया श्री के साथ इस जन्मोत्सव को मना रहे हैं। जैसा मालूम ही है कि कल शाम को वेदर खराब हो गया था जिसके कारण हमें कार्यक्रम बदलना पड़ा और इसी विचार में मुझे एक बात याद आई। स्वर्ण मंदिर में गुरु महाराज गोल्डन टेम्पल का स्वर्ण मंदिर का अवलोकन करने आए और जब वो अवलोकन कर रहे थे तो वहां पर एक उन्होंने कहा अपने भक्त से, हमारे केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री गंगोत्री धामों के बारे में सोच रहे हैं, उस सपने को साकार करें। मेरे शब्दों के साथ सबको मेरा आशीर्वाद। जो विधायकगण हमारे कार्यकर्ता गण आए हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री का जोरदार तालियों से महाराज श्री का स्वागत शुभकामनाएं। हमारे मध्य में उत्तराखंड के यशस्वी माननीय शिक्षा मंत्री, मैं आग्रह करूंगा ये एक छोटा सा चलचित्र है जो आपको दिखाया जाएगा तो आप जरूर देख करके जाए। श्री धन सिंह रावत जी पहुंचे, एक बार जोरदार ताली से आपका स्वागत अभिनंदन। हमारे मध्य में लैंसडाउन विधायक श्री दिलीप सिंह रावत जी पहुंचे हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। और जैसा महाराज श्री ने कहा, जब जब संत सामाजिक कार्यकर्ता होकर के राजनीति के क्षेत्र में चले जाएंगे तो इस देश की दशा और दिशा बदलने से कोई नहीं रोक सकता और उसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो चुकी है। हमारे माननीय वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर है जो पर्यटन सिंचाई और सारे मंत्रालय देख रहे हैं। महाराज श्री ने बताया कि पहाड़ पर जो रेल लाने का सपना उन्होंने देखा वो आज अगराई ले रहा है, वो रूप में आ रहा है। उत्तराखंड को टैक्स हेवन घोषित कराया, फिर उन्होंने अभी बताया कि पहला जो महाराज श्री ने के द्वारा किया गया, महाराज श्री का एक पीछे अभी चलचित्र दिखाया जाएगा वो हम सभी देखेंगे। हमारे मध्य में एक बार जोरदार तालियां महाराज श्री के सम्मान में। हमारे मध्य में युवराज दिग्विजय सिंह विधायक सिरमौर मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, आपका स्वागत है अभिनंदन है। युवराज दिव्यराज सिंह जी पहुंचे हैं, आप विधायक हैं सिरमौर मध्य प्रदेश के, जोरदार तालियों से सिरमौर के विधायक माननीय दिव्यराज सिंह जी का स्वागत अभिनंदन। हमारे मध्य में कुंवर राजकुमार प्रताप जी नगर कुटाली से पहुंचे हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। और आए हुए सभागार में जो लाखों में भक्तों भीड़ देख रहा हूँ, महात्मा देख रहा हूँ, भाई जी देख रहा हूँ, आप सभी यहाँ पर महाराज श्री के इस जन्मोत्सव के पावन अवसर पर पहुंचे हैं, आप सभी का भी स्वागत अभिनंदन। मेरा मन है कि एक बार सभी लोग अपने लिए हाथ लगाकर ताली बजाएं, महाराज जी को शुभकामनाएं दें। आज हम महाराज जी का आएंगे, आज महाराज जी के दोनों पौधे
श्रेयांश और अयांश हम यहाँ पर हैं मंच पर अभी उपस्थित हैं। पहली बार महाराष्ट्र ने कहा कि हमारे मध्य में आए हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। अभी कुछ बालकों के द्वारा भजन समूहगान बधाई संदेश मंच के माध्यम से दिया जाएगा। जन्म दिवस पर आपके करते आज प्रणाम, निर्विघ्न संपन्न हो आपके सारे काम, निर्विघ्न संपन्न हो आपके सारे काम, आपके सारे काम प्रभु कृपा बरसावे, रिद्धि सिद्धि को आगे आपकी कीर्ति बढ़ावे। और कहश्री जी का विराय आपका अभिनंदन है, कहश्री जी का विराय आपका अभिनंदन है। गर्वित बाल पिता के आप ही श्री रंजन है, गर्वित बाल पिता के आप ही श्री रंजन है। माननीय मंत्री श्री धन सिंह रावत जी महाराज जी को उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक अंगवस्त्र भेंट कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं प्रदान कर रहे हैं। जैसे विधायक दीप सिंह रावत जी महाराज श्री को अंगवस्त्र दे रहे हैं एक स्मृति चिन्ह के रूप में।
रहे हैं, विद्या का प्रसार प्रसार हो रहा है, और क्या कारण है कि अपने देश में हम विवेकानंद नहीं पैदा कर पा रहे, क्या कारण है अपने देश के अंदर हम वीर शिवाजी नहीं पैदा कर पा रहे, क्या कारण है देश के अंदर विवेकानंद नहीं पैदा कर पा रहे, क्योंकि हमने अध्यात्म छोड़ा दिया। अध्यात्म का जागरण होगा तो विवेकानंद पैदा होगा, अध्यात्म का जागरण होगा वीर शिवाजी पैदा होगा, अध्यात्म का जागरण होगा तो झांसी की रानी भी पैदा होगा, अध्यात्म का जागरण होगा भारत श्रेष्ठ होगा। एक बार जोरदार तालियां महाराज जी का ये पूरा जैसा मैंने पूर्व में कहा था कि जो संत राजनीति में आ जाए तो देश की दशा और दिशा परिवर्तित हो जाएगी, तो महाराज श्री का ये इस देश को, इस उत्तराखंड को बनाने में जितना महत्वपूर्ण योगदान है, मुझे लगता है कि शायद ही किसी दूसरे व्यक्तित्व का हो। मैं चाहते पर जोरदार ताली से महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन। हमारे मध्य में देहरादून कैंट की माननीय विधायिका आदरणीय सविता कपूर जी पहुंची हैं, आपका स्वागत अभिनंदन, जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन।